नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक जिले के गांव टिटोली में। और टिटोली गांव में आज हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा की ऐसी महिला से मिलवाएंगे कि आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। गांव की सीधी सादी महिला और खेतों में घर, और आजकल टिकटॉक तो ख़त्म हो गया लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे हमेशा छाई रहती है और अक्सर उनके छोटे छोटे ब्लॉग उनके देखते रहते हैं आप। हर महिला कहीं ना कहीं, राजस्थान हो, पंजाब हो, यूपी हो, कहीं भी हो, आप अक्सर इनके डायलॉग और मनोरंजन में करते हैं आप इनको देख के। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कोई इंसान हंसी दिलाता है तो बहुत बड़ी बात है, रुला तो कोई भी सकता है। हमारे साथ आंसू कुंडू और उनके पति मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र कुंडू, मेरे साथ खास बातचीत में। और आप आंसू कुंडू को तो जानते होंगे, उनके साथ सुरेंद्र कुंडू भी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर ये बहुत ही एक मासूम से, एक भोले भाले से, एक जैसे कति पागल सा हो ऐसा व्यक्ति अक्सर आंसू कुंडू दिखाती हैं इनको, और बहुत ही एक मारने जैसी शक्ल में होते हैं अक्सर ये, कड़े कड़े देखते हैं इनकी तरफ। तो आंसू कुंडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज 24। थैंक यू जी, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद जो आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पहले एक बार बोल के दिखा दीजिए कि क्या बोलते हो अब इनको अक्सर वो ब्लॉग के अंदर। कुछ नहीं बोलती, मैं तो यही कहती हूँ अनुज के पापा सुने है मेरी बात, सुन ले वो काम है, बस यही बोलती, से ज्यादा तो कुछ ना कहा करो। ये उनका आग्रह अनुज के पापा, हाँ जी नु बोला करो अनुज के पापा, क्योंकि हमारा जो मान ले वे है ना, जो कर मान ले भारतीय नारी हार अपने समाज में मान लिया, अपने आदमी का तो हम नाम नहीं ले सकते। तो मेरी माने तो मतलब कर देते अनुज का अपने घराले का भी नाम ना लिया कर, उस तरह घराले की उम्र छोटी हो जाया कर, और तब बड़का के नाम तो संबोधित करा जाए। जो कर मेरे बड़े छोरे का नाम अनुज है तो मैं उसने नुए कहूँगी सुने है अनुज के पापा, ठीक है, तो इसलिए इसने बोलूँगी कि भाई अनुज के पापा सुनो, और इससे नाम तो इसने कहूँगी, तो जब इसने बोला करूँ यो क्या आकर है, यो आकर मेरे घड़ा पाड़नी कुतिया की तरह के है, मैंने ये सुन लेने कदे तो सुन लिया अगर सारे आने रहेगा छो मोया रहेगा तर तरा मतलब नू को होगा कि भाई मैं तेरी नहीं सुन सकता, मैंने मतलब तेरी सुननी है ना, मेरे कान नाम है ना तेरी सुन, तो अच्छा अपने कान नाम डांट दे कर बैठ जाओ ना वो बढ़िया है, पर मैं तेरी नहीं सुन सकता। मैं कहा बता एक बात बता, बोलने वाली तो घर में मैं हूँ, काम होगा जो होगा बात होगी वो तो काम होगा तो मैं बोलूँगी, सास ससुर तो है नहीं एक्सपायर हो रहे हैं कि भाई ले उन्होंने बोल पड़ू कोई बात है कोई कहना है, या घर में दो छोटे बालक हैं उनका भी कोई वो कौन है अकले भी बालका थे काम, तो इससे तो पड़ेगा तो इससे ना तो कहूँगी, अरे यो मतलब तू तो डाक उसमें पोजीशन में रहना सारी आने गाड़ी घोड़े आला ड्राइवर आदमी है, ये एक बात बताओ गाड़ी चलाओ है ड्राइवरी करे है, तो आपने बेरा भी अभी इस सर्कल में मान लिया आदमी जुड़ा है गाड़ियाँ मतलब गाड़ी की जो लाइन है ड्राइवरी लाइन है, इसमें अच्छे मुंडे सारे डाल के इसने मानस फेटा है, तो वही मतलब रवैया इसका जो कर घरा ऊँचा हुआ है, घरा भी मतलब वाह लैंग्वेज भाषा जो है वाह राखनी, और वो गुस्सा तरारा वो राखना, फिर मैं इस तनु कहा करूँगा कि भाई चलो ठीक है आप गाड़ी चलाओ कोई बात ना भाई, आदमी है ना काम धंधा तो भाई करण जा बार दो पीछे तो कमा के लिया हुआ है, तो फिर मैंने कहूँ ही माले काम तो मैं भी करूँ हूँ, मैं कौन सा ठाली बैठ कर बकरिया माले वो करूँ। हाँ जी, जानना चाहूँगा आपने मैं सुरेंद्र, तो चलो अक्सर आप जब ब्लॉग बनाती हो तो ये ऐसे क्यों देखते हैं मारने की तरह, जैसे कोई अचंभे की बात कह दी हो आपने ऐसे, तो हमेशा ये ऐसे क्यों देखते हैं आपकी तरफ, जो भी इनको बिना बताए बनाती हो एकदम मतलब बनाना अचानक कई बतीसा हो जाए अचानक बना ले बिना बताए बना ले, और कई बहन है मतलब इनका जुकर एक आधे आदमी का होया नहीं कर त्योर कड़वा जुकर न कड़वे त्योर तो एक आधी बहस नहीं हो आकर कड़वाल है, अगर दूध ना दे लात मारनी है मारनी चाहे कितनी सेवा कर ले उसकी दिन रात, चाहे किसी ने उन्हें नवा दवा कर चमका कर रख ले पर है ना वो क्या दूध देने के टाइम पर उसने लात मारनी मारनी है कड़वाल बहस की तरह लखाना है, तो इसका मतलब रवैया यही है कड़वाल की तरह कड़वाल की तरह नू लखा होगा कि भाई मैंने कोई इसी बात कह दी जो मतलब इस तरह कह नहीं कर बम विस्फोट कर दिया इसके ऊपर भी बात कह दी था इसने एकदम सस्पेंस में आ जाएगा एकदम नू हो जाएगा, बस सर मैं फिर नू कहूँगी भाई मैंने इसी कौन सी बात कह दी कोई बात कह दी तो दी आपने अभी टमाटरों का एक वो ब्लॉग बनाया था आपने, नहीं एक बात बताओ टमाटर है टमाटर इतने मान ले टमाटर का बना था टमाटर महंगे थे मतलब टमाटर नुए कही थे तभी भाई यार दोस्त तेरे आ रहे हैं तू उन्हू कर ला रहा बढ़िया तो बढ़िया मान ले साग सब्जी बढ़ने चाहिए मेरे यार दोस्त आवे हैं मतलब मेरी वो होनी ना
होना चाहिए, मेरी नहीं वो ना होना चाहिए। और तुम्हारे टमाटर लियाओगा बनाओगा जब तो मैं करूँ ला, टमाटर इतने महंगे कर दिया सत्यानाश, टमाटर मंगाओगी ठीक है, टाल मार मैं बनवाता है नहीं, वहाँ ठीक है ना बनवाता तो पहले ही नाट जा, फिर क्यों खड़दू खाड़े कर रहा है। तो मैं तो यही बात कहा गुरु भाई, इन्हें बात आप इसके न्यू हो जाए, मतलब बात तो वह सही है पर मतलब इसकी सोच मतलब नेगेटिव मतलब पॉजिटिव सोच नहीं सोच सकता, नेगेटिव सोच सका उससे पहला कहते पहला हाय तू तो ऊत लुगाई है, तू तो मतलब खर्चा घना करावे है, दुनिया की लुगाई है, दुनिया की लुगाई घर बस आ रही है, जमा खर्चा नहीं करती। मैं का एक बात बता, दुनिया की लुगाई घर बस आ रही है, मैं कौन सा घर उजाड़ रही हूँ, खर्चे तो रे गर्म हो कित जा लो, हाँ इतना हो सका है भाई किसी का थोड़ा किसी का घना, पर मेरा थोड़ा सा ना मतलब खर्चे में थोड़ा सा खुला है, मतलब इस बात ने मेरे रिश्तेदारी मेरी ननद मतलब और ये सारे जाना है कि भैया खुल कर खर्च कराया करें, मेरा मतलब नू नहीं होया करें आख भाई नू सुकुड़ सुकुड़ का कया नहीं करे कहा आदमी सुकुड़ सुकुड़ का वो बकरी का अगर दूध तो देगी पर मिंगन गेर गेर कर, मेरे तो सुकड़ू सुकड़ू ना हुआ है, मेरे तो मतलब ये है भाई करना है तो कर, ना करना है तो क्यों काम काम वो कर। सुरेंद्र कुंडू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ और आपके चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। सुरेंद्र कुंडू ये शुरुआत कब से हुई, आपने फिर एग्री कर दिया कह दिया आंसू को ठीक है आप कर लो कोई बात नहीं है, और फिर आज पूरे छा गए आप भी साथ आते हो, अब तो पहले तो खैर आप नहीं आते थे बाद में आप भी साथ आने लगे, तो ये कब से शुरुआत हुई आप? ये जो टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियो बना कर दी है तो ये बोली मेरी इच्छा, इसने मेरे को बच्चों की गिरनी शुरू करी, ये वीडियो बनाती गई बोली भाई ये मेरी इच्छा है इसको अगर ये मेरा स्कूल टाइम से ही टैलेंट है यू, तो मेरे भाई एक मान ले ये मेरे साथ शादी करके आई है तो इसकी इच्छा को पूरा करना भी मेरा फर्ज है, तो इसकी इच्छा थी भाई मैं कुछ बनाऊँ और कुछ वो करूँ, तो मन ने भी सोचा भाई बना दे, एक दो भाई मना किया अगर ना ये अच्छी बात नहीं, हम गांव के आदमी हैं घरेलू आदमी हैं कोई क्या सोचेगा, फिर इन्होंने मेरे को दिखाई कईयों की वीडियो दिखाई जो पॉपुलर थी, बड़े बड़े आदमी थे वो थे उनकी पॉपुलर वीडियो दिखाई, उनके वो दिखाई, उस देख के फिर मैंने सोचा भाई हम कोई गलत नहीं बना रहे हैं, तो मैंने इसको एग्री कर दिया तू बना भाई देखो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जैसा भी हूँ मन कम बोलना आवे है या कम ज्ञान है जैसा भी टूटा पड़ा हूँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तू बना। आपके साथ जो वीडियो होती है वो पॉपुलर होती है और ये अकेले बनाती है वो कम पॉपुलर होती है, ये क्या वजह है? इसने कौन जाना जी, मन जाने सब ये सुरेंद्र कुंडू मेरे साथ खास बात, ये भोली वाली शक्ल है लोग इनको पसंद ज़्यादा करते हैं, तो एक बात जानना चाहूँगा जैसे आप पूरे हरियाणा में घूमते हो गाड़ी चलाते हो तो जिस जगह आप कहीं ट्रक रोका या होटल पे या कोई मिल गया तो फिर वो क्या कहते हैं आपको, अरे वो सुरेंद्र कुंडू ये गिराड़ी कहते हैं भाई आपकी घरवाली वीडियो बना हुआ है महावीर बना हुआ है, बोले बहुत अच्छी वीडियो बना हुआ है देखो जो भी मिला है हमको सब ने पसंद कराया है, अरे भाई सारी वीडियो ऐसी हैं चाहे पूरा परिवार बैठ के देख लो तो उससे दिल में खुशी होगा भाई कोई हमने भी पहचानने वाला है, क्योंकि पहचान हमारी कुछ नहीं थी खाली एक ट्रक ड्राइवर था, पहचान दिलाने वाली भी यही है क्यों इन्होंने शुरुआत की है तो पहचान बनी है ठीक है, तो मैं तो एक आम सा आदमी था भाई ट्रक आज चला लिया आज वहाँ चला लिया, लेकिन आज आदमी शक्ल देखते हैं लेकिन जगते हैं कि बूझ जा कि नहीं बूझ जा वही है कोरो है, लेकिन फिर वो आखिर में बूझ लेते हैं तो फिर वो उनको बहुत अच्छा लगा है, इज्जत भी दें मान सम्मान भी करें भाई चाय पानी ठंडा भी करें ठीक है, तो बहुत इज्जत मिल रही है। तो हमारे साथ ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनी हुई है, हम टिटोली गांव में मौजूद रोहतक में, और नाम के लोग नाम के लिए लोग अरबों रुपए खर्च कर देते हैं अरबों रुपए और वो नाम नहीं कमा पाते, नाम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर आदमी की इच्छा हर आदमी की तड़प होती है, पैसा कोई कहीं भी किसी समय भी कमा सकता है दिमाग लगा के, लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल काम है और नाम कमाने के लिए कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, और हर आदमी की इच्छा होती है मैं सेलिब्रिटी बनूँ हर व्यक्ति मुझे जाने, तो आज ये नाम के मोहताज तो नहीं हैं पति पत्नी क्योंकि इनको सब जानते हैं और बहुत साफ़ सुथरा ये ब्लॉग बनाते हैं और हर घर में ये देखे जाते हैं, इनको इनको बड़ा अच्छा लगता है लोग मिलते हैं इनको ट्रक चलाते समय गाहे बगाहे कहीं देखते ही पहचान लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है। शुरुआत आपने की नाम चमका दिया पूरा, आपके पति कहीं भी जाते हैं वहीं पे मिलते हैं अरे कुंडू साहब कुंडू साहब कुंडू साहब,
यो तो इस समय राजी हो जा, कोई इसना ढाबे पे बैठा के कप चाह पिया दे, वो उससे के तारीफ आके इतने पुल बांध दिया, आज मेरे तीमरे यार फेटा था नो को यो चाह बनाई मतलब चाह प्याई हाँ रोटिया की पूछी बस इस समय वो कहा नहीं करा इतना मान सम्मान के लिए एक 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 पानी का गिलास भी बहुत होता है कुंडू। हाँ तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बहुत अच्छा जो इतने मानस मतलब इतने बंदे जो जाना है हरिन इतनी इज्जत है तो काफी बढ़िया बात है ना, बोलना भी चाहिए कहना भी चाहिए। गाँव बहुत बड़ा है, 16-17 हज़ार के आसपास यहाँ पे वोट हैं। कितने बड़े गांव में एक से दूसरे को कोई व्यक्ति जानता नहीं है, एक से दूसरी गली को कोई यहाँ पहचानता नहीं है, और 17 हज़ार लोगों में एक बार आपका घर का पता आपका नाम ले लो तुरंत छोटे से लेके बड़े तक तुरंत बता देंगे। आंसू वो उधर है, वो खेतों में थोड़ा सा चलते ही कैसा लगता है? ये बात है, बहुत कुछ कमाया आपने। फिर अच्छी ये बात है जी, मैं तो मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भैया हमने मतलब इससे इस चीज़ तो सोशल साइड से इतना मतलब जुड़ांगे इतना न्यू होगा, मेरा तो वो नहीं थी, पर मेरा कितना की तो मतलब यह बात थी अगर भाई चलना है रुकना को ना, अगर भाई चल मैंने कोई जानो चे ना जानो पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। मेरा यो का मतलब जो लोगों का मतलब जितना भी जो मेरी भाण है मतलब बहुत अच्छी है, मेरे पे कमेंट भी करें बहुत अच्छी है, इसी इसी लुगाई जिनके मैं मान लो नाम गिणान लाग जाऊँ तड़के सांझ हो जाए, इतने अच्छे कमेंट करे हैं बहुत पसंद करे हैं बहुत नु कहें कि मैंने आपकी वीडियो मतलब जो सुरेंद्र कुंडू के नाम तो चैनल है भाई हमारा यूट्यूब है हमने पसंद करे हैं देखा भी है, और तो मैंने बहुत खुशी हो और उनका रिप्लाई भी मैं जरूर आज जियो कह दी हूँ चलो भी बढ़िया है। तो ब्याह शादी में आपको बुलाते हैं लोग फिर जैसे क्या? हाँ जी ब्याह शादी में बुलावत है जान नहीं पाते ना, मान ले न्यू होया करे ना कि भाई दोनों जने जावा कि भाई यो गाडी पे है कि हमारी मतलब ईसा ब्याह के टाइम पे हमारी बहस बयान हो रही थी और भाई बहस ब्यात पा रही है नहीं जा सकते। मुझे एक बात बताओ जब किसी शादी में या कहीं बाहर जाते हो तो आपको लोग तुरंत पहचान? हाँ पहचान ले, हम शादी में जा रहे थे। क्या कहते हैं? देखिए वे है टिटोली के जो वीडियो बना कर रहे हैं, हाँ वो कहे वे है, हाँ अच्छा लगा है नू मतलब लोग गए थे मिल कर जान कर अच्छी खुशी हो उन्हें और अच्छा मतलब नू मतलब मन खुश हो जा है अगर भाई चलो अच्छी ये बात है पूछे कोई वो नहीं नहीं कहा रख दुनिया में केले का आए हर केले का जाना बस प्यार प्रेम है जो भी कुछ हो है अपने प्यार प्रेम तो राज्यों को कोई बोल पड़ो इस तो बड़ी इज्जत मतलब क्यों है। पति कम बोलते हैं आप ज़्यादा बोलते हैं तो ये इतना अंतर कैसे? बताओ सुनो मैंने किसी के मुंह पे ताला तो नहीं लगा रखा ना अकेले भाई, मैंने इसके मुंह पे ताला लगा रखा ना, मैं आपके किसी के मुंह पे भी नहीं ताला लगा सकती, पर क्या करें ना कि भैया एक इंसान में खूबी भी हो रही एक इंसान में कमजोरी भी हो है, और तो मेरी मतलब या खूबी लगा लो या कमजोरी लगा लो भाई मेरे तो ना मतलब बोले बगैर नहीं रुकया जाता, बोले बगैर नहीं रह सकती। आपके पति ने आपका साथ दिया कभी मना नहीं किया? आपने टिकटॉक पे आई इंस्टाग्राम पे आई आज पूरा भारत लगभग जानता है आपको, जहाँ जाते हो आपको नाम काफ़ी नाम कमाया आपने तो पैसा भी कितना कमा रही है? हाँ जी पैसा भी मतलब अब तो देखो फिलहाल तो इतने हैं मान ले दोनों साइड तो जो काम आवे हैं मान ले के 15 आगे 20 आगे 25 आगे इतना ज़्यादा मतलब परफेक्ट नहीं है भाई, मैं लाखा कमा रही हूँ ठीक है जो भी। सबसे पुराने स्टार और पैसे सबसे थोड़े ये क्यों? आपसे बाद में आपसे 6 महीने पहले वाले आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? फिर उस कहने मतलब ज़्यादा कमा रही हूँ भी ज़्यादा ज्ञान हो ज़्यादा नॉलेज हो, मैंने इतना भी ज्ञान को ना मैं तो आपने पता भी पढ़ी लिखी भी कम आऊँ, यो एक ट्रक ड्राइवर है ना मैं घर तबार की तो जाती ना मैं घर तबार लकड़ के कोई प्रमोशन करती किसी चीज़ का अकले भी कर रही हूँ या कितने जा रही हूँ है या मतलब किसी ना त्याना तुम्हारा नुए नहीं भी राम ने कितने नंबर नहीं छोड़ रखे भाई कोई मारता आकर पूछे या नू करे, और मतलब आईडी भी हमने किसे तो पूछते आजकल मतलब मेरे भाणजे तो उस तो बनवाई थी चुकर कही थी भाई मारी आईडी बना दे बस मारा मतलब जो भी काम होया ना हमने ब्लॉग वगैरह भी ये थंबनेल वगैरह फलाना वगैरह जो कह दे भाई ये लगाओ वो लगाओ इन चीज़ा आ ज्ञान को ना यो भी इतना पढ़ा लिखा को ना भाई ले इतनी अच्छी नॉलेज अच्छा पढ़ा लिखा है अच्छा सब क्या का ज्ञान है बालक छोटे हैं और आप समझ सको आजकल किसी ने किसी थी बताने थी किसी का आने थी बैठने थी कितना टाइम है। कितनी बार लड़ाई होती है? हमारी तो मतलब हर एक बात पे छोटी मोटी लड़ाई होती है वह ठीक है जितने को आगे लड़ाई हुआ कर उन्हें प्यार भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा तो वैसे चलता रहा है पर मतलब शुरुआत इसी है अगर लड़ाई अगर मैंने करी है या इसने भी करी हो ठीक है मैं ही बोल रहा करूँ बात तो इसी है, मैं कभी यह नहीं सोचा करूँ अगर हमारे बीच में लड़ाई होगी मैंने बोलना नहीं है मैंने रूसना है या इस तरह रोटी नहीं देनी या मन नहीं खानी ऐ है हमारा मतलब क्या सुनी हुआ है कि नहीं करा अग भाई वे सिर्फ मतलब बातों बातों तो ही है बातें बातें तो हम कह दिया करा और फिर 2 मिनट में हम उससे के उससे हूँ हम इन बातों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केड़े भी लेके आया था ना आपने बोले शेड़ोड़ा केड़ा सब बच्चे ये लेके आया करा घर में मारा ही सब ठीक है मैंने इस तक कही थी अगम का भाई ये मतलब केड़े
का है आप इतने गले सड़े केड़े लेकर आपने के मतलब ये हो है ले आवा तनु यो इस बात ने कहा तने गले सड़े उड़ केड़े दिखे तनु ना दिखा फूफा फूलचंद केड़े लेकर आया है तन यह बात ना देखिए कि मैं मतलब पसंद थी मंत्री पसंद का कितना ख्याल रखा मैंने बोली मतलब मालिक केड़े लेकर पीसे देखा तो देख आए हैं रुपया पर इतने मतलब कीमत वाए लिया उसने वो कराया तो आप साफ बढ़िया छाट के क्यों ना लियाए तनु बोला तेरे कितरिया झगड़बाजी मारना मेरे बस की कौन है अगले पर मैंने पूरा भरोसा अगले ने दे दिया भाई साहब बहुत बढ़िया लेकर आ गया इवनू बताओ फिर लड़ूंगी ना तो क्या करूँगी बताओ आप है कम से कम दुकानदार तो हम पीसे दें हाँ मालिक जो वो है केड़े बेचने वाला रेडी लगाने वाला और तू उस पैसे दें हाँ पूरे दें हाँ उसके मांग है उतने दें हाँ और तो हमारा भी तो फर्ज है ना भैया हम उस चीज़ ने देख लिया और बढ़िया चीज़ लेकर चला करा सुरेंद्र कुंडू जी आप पेड प्रमोशन क्यों नहीं किया आपने आज तक क्यों नहीं किया सब कर रहे हैं मोटा पैसा कमा रहे हैं पाँच पाँच दस दस लाख पंद्रह पंद्रह लाख लोग सोशल मीडिया भाई साहब लंबा साहब देख मैं बताऊँ क्या पेड प्रमोशन दोनों का चेहरा है फिलहाल बाहर आप छोटे मोटे गाड़ी छोड़ो ना आपका भी चेहरा है आपका भी चेहरा है दोनों एक साथ किसी का पेड प्रमोशन करने जाते हो तो अच्छा खासा पाँच सात लाख महीने के देखो मैं बताऊं भाई साहब हमारी सोच ये है अब जिस कारण मान लीजिए जिनके कारण हम ऊपर चढ़े हैं अगर उन्हीं से हम पैसा लेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है या तो कोई दुकानदार शॉप की दुकानदार की बता रहा हाँ तो वो करवाएंगे तो हम कर देंगे दोनों अब बाहर रहते कर कैसे देंगे वो हम टाइम निकालेंगे अपना वो नंबर पेड देखो वो इससे पूछो अगर इसको टाइम होगा तो करेगी ना तो मैं साथ तो आपके लिए मैं देखो मैं मगर मैं होगा तो साथ चला जाऊंगा ना तो यू इसके लिए यू है ये एग्री होगी तो मैं मानूंगा ना तो मैं इस बात के लिए नहीं भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है अच्छा गीत कौन सा गुनगुना वो गीत गा करूँ मैं तो ज़्यादातर तो वो है ना कि हरियाणा वाला गीत है वो चंद्रावल का नैन गोरे का डोरे तेरे नैन कटोरे काजल डोरे मैं तो गोरी तेरे तन मन पे हार गया हाँ ये मन चंद्रावल फिल्म मूवी बहुत अच्छी क्यों गया ओ जीजा तू काला मैं गोरी क्यों कर कहूँ जीजा लगता तो कौन है को लेकिन खिजा तो सकती खिजा ले हाँ उल्टा है तो माड़ मार गाने आके इतनी वो थी तेरे घर क्या कि माथे में फूट रही थी पहले क्या तना देखा है तू काले पर नाम धरण लाग रही है ठीक है नू है इसने मतलब चिढ़ जा बात 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 पे अगर मैंने कुछ थोड़ा बोल दिया ना चिढ़ा बहुत जल्दी है छोटे बालक तो फालतू है तो वही आपकी सुपर हिट जाती है वो ठीक है तो बेशक जा पर इतना भी मतलब आदमी ने चिढ़ना ना चाहिए थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए ना भाई थोड़ा बहुत कोई बात ना करा बात बात पे चिढ़ जा देखो मैं इसमें कोई इसकी ये नहीं कर रही भाई इंसल्ट वो है पर मतलब इसकी मान ले कुछ भी लगा ले भाई खूबी लगा ले चाहे कुछ लगा ले मतलब ये बात पर मतलब छोटी छोटी बात पर चिढ़ना देखो मैं मानू चलो भाई ठीक है ये मान लो आप देखो मैं काम भी करूँ घर का भी है बच्चा का भी है वो जब मैं इसके लिए इतना संघर्ष कर सकूँ भाई मैंने वीडियो बना ली है मेरा काम है मैं संभालन लाग रही हूँ करण लाग रही हूँ और तो थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट करना चाहिए गाड़ी पे था वनू कहे मैं गाड़ी पे तारा था क्या सपोर्ट केड़ा लिया आपका तर और इतनी पसंद के केड़े लेके आए और क्या सपोर्ट जलेबी जलेबी में मंगाई थी मैंने जरूरी नहीं है केड़े केड़े मंगाए थे मैंने जलेबी में मंगाई थी ठीक है यो मानस वे चीज़ तो लिया अगर जिससे इसके बच्चा का कॉम्बो है भाई बालक मतलब थोड़े फालतू खा लेंगे और इन्हें नू लागन बालक कम खाओगे या चठोरी फालतू खाओगे उस चीज़ ना लिया करो चीज़ ना तो एक नोरा मारा करें इन्हें नू बेरा था अगर चटोरी जलेबी मंगा रही है तो जलेबियाँ तो सारे अपने कब्जे में तरक्का बैठेगी हाँ और बालक केड़ा ना तो मतलब ई साए खावेगी बालका के पेट में पड़ जाएंगे और जलेबी सारी इसके उसमें पेट में जानी थी तो इसलिए मैं इसने कहा गुरु लिया दिया कर कदे साल छः महीने मंगाऊ इसी तो मैं रोज मंगाती भी कौन तेरे तई जलेबी अच्छा मुझे आंसू कुंडे एक बात बताइए आप गाना भी शूट करती हो कई बार आपके गाने देखते हैं हम तो कैसे मनाते हो गानों के लिए सुरेंद्र कुंडू को ये आगरी हो जाते हैं आपके साथ तो चल मैं भी आपके साथ गाना डांस वास ना ना जमा कति कोई मतलब भी कौन या ठीक है वाह बात है सो बात की एक बात है जबरदस्ती दूंगा कति जो मतलब जबरदस्ती कति नु क्या सुन को कति इतनी गुरगुराई खा कर कति लेनी करके जब जाके एक मतलब वीडियो थी तैयार हुआ है आखिर में देखो बनाऊँ मैं मान ली मेरा मैंने बताई थी भाई मैं तो बनाऊँ मैंने तो अच्छा लगा पर बड़ी मुश्किल हुआ है बड़ी मदता है मतलब इसके इतने आड़े खाने पड़ जा हैं बहुत मुश्किल तो है यो भी मैंने चल नु सोच लिया अगर वो खड़ा है ना कि मैं काम करा फंसा जरूर गायका दी
देखे मना के मतलब करता बढ़ता, मैं अपने फोन में पहला ही रेडी कर कदर दिया करूँगी। मान ले बाड़ा में तेल लगाता हो या अपने कपड़े डालता हो कुछ भी करता हो, मैं कहीं तक कर ले वीडियो चालगी, फिर एक कब वो बनाएगा दोबारा, मतलब चाहे उसमें कमी है चाहे ना है दोबारा बन नहीं पावा, तो मैं उसने एक भाई बनाई उड़ना जिस भी बन रही है उसने अपलोड कर दिया करूँ भाई चलो ठीक है। लेकिन आपके पति ने आपको मना भी तो नहीं किया, आपने कहा हम इंस्टाग्राम पे ये टिकटॉक पे करना ये नंबर ठीक है कर लीजिए, आपको मना भी तो नहीं किया। फिर एक बात बताओ, आप मना तो नहीं करा, मैं मानू इस बात ने मना तो नहीं करा, पर मतलब है ना जो एक बात कहनी तो था अच्छा, एक बार मान ले हम ये वो कह नहीं करे कि बालक ने पैदा करके छोड़ दो, और तो उसकी उसके साथ परवरिश भी तो बहुत जरूरी हो ना, छोड़ना तो कोई मायने नहीं रखता ना, और तो मैंने मतलब डंग डंग पर सपोर्ट की मतलब इसकी इतनी जरूरत पड़ी है बहुत ज़्यादा, हालांकि इसने साथ दिया है नू नहीं कहती नहीं दिया, वो मतलब ये नू कहा यार तने बनानी है जिसी बना ले, क्यों मेरा खून पी रही है, क्यों दिमाग ने पाड़न लाग रही है, क्यों मेरे कान फोड़न लाग रही है, कर ले तू तने इतना करना ना भी वीडियो बनानी, मैं खड़ा हो जाऊंगा बता दे मना मेरे जान ले वो चल छोड़ पेंडा मेरा, तो उस चीज़ में मैं मतलब इसने नु कहा करूँ थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा करके बैस नू मतलब जमानू हो जाएगा यार मेरे तो नहीं होता, मतलब इसकी जो लगन है ना बता ही दिया अगले ने भाई देसी आदमी मेरे को आता नहीं कुछ ये बनाते हैं मैं मना नहीं करता, तो मतलब मैं मेरा भी मेरी के वो है मेरी मतलब ख्वाहिशियाँ हैं, और जो इसकी लगन है ना जो इसकी लगन है वो जो मेरी लगन है वह वीडियो के प्रति ज़्यादा देखी है मैंने, और इसकी जो लगन है ना वो गाड़ी के प्रति ज़्यादा है, इसकी जान बस है गाड़ी में, जो ये ड्राइवर है मान ली ड्राइवरी लाइन में तो गाड़ी है ना एक किस्म की इसकी नू निगाह कर भाई रोजी रोटी इसका रोजगार इसकी जान, गाड़ी का के मजालमड़ी ही छींट भी लाग जा उसके ऊपर भी दस बलत्ता रगड़ेगा दस नू वो साफ करेगा, एक नट भी छोटा टूट रहा वो हो रहा उसने कोती चमकवा के लिया होगा जावेगा उसके मैकेनिक आकर कति पूरी हो रहा। गाड़ी को अपनी पत्नी समझता आपको मतलब दूसरे नंबर पर मेरा ना दूसरे पर आ गए यो तो यो देवता ही जाना है ठीक है, पर मैं कहने की बात है अगर मतलब थोड़ा सा भी रुझान थोड़ा सा भी अगर मन इसका मेरी मतलब वीडियो के प्रति हो जावे और तो मैंने और ज़्यादा मतलब खुशी होगी अक भाई चलो मेरे साथ और सपोर्ट कर रहा ठीक है, मैं इससे बोल रही हूँ कि अनुज के पापा प्लीज़ मान जाओ बनवा लो वीडियो, पर जो इनका माइंड है ना जो मतलब इनका वो है वो पता ना कित कित फोकस कर रहा है कित कित जा रहा है भाई कौन से ड्राइवर का फ़ोन आ जा कित गाड़ी ले जानी है कित जाना है के काम हो गया गाड़ी में कौन सी वहाँ पर्ची देनी है कौन सी लेनी है के करना। अब जो प्रमोशन करते हो आपने अभी किया नहीं तो करना चाहते हो क्या? हाँ जी मैं बिल्कुल करना चाहूँ कौन ना चाहता दो रुपये अपने दो रहा हुआ है। आपने अब तक आके बात क्यों नहीं बढ़ाई है कि एक बात बताओ मैंने आपसे बताई थी ना मैंने बात क्यों नहीं बताई, मैंने इसलिए नहीं बताई है भाई मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कोई आके मैं तो नहीं चाहूँ भाई मेरे तो पूछे है तो मैं भी मतलब उन तक वो करूँ ठीक है भाई मैं करूँगी ना, तो अब आप देख सको हो यूट्यूब पर भी मेरे लाखों सब्सक्राइबर हैं और तो आप बताओ इन पर भी हैं और तो कोई मतलब रास्ता होया करें ना निकाह कर कोई रास्ता दिखाने वाला या कोई बात वो करने वाला तो है, हम तो देसी मतलब हमारी सोच है। तो फिर आपका नंबर बताना चाहेंगे सुरेंद्र को? हाँ अनुज के पापा का आप नंबर दे सको अच्छी तरह। हाँ इनके नंबर है 97 28 19 69 19। तो आप बता भी दी पेड कोई प्रमोशन? हाँ जी बिल्कुल, अगर किसी ने पेड प्रमोशन के लिए शोरूम के लिए कोई मतलब कोई भी वो अगर अच्छा लगे तो ठीक है ना, तो हमने वही बात है किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ जो नंबर दिया 97 28 19 69 19 तो आप इस पर कर सको हो बता सको और ताम में जरूर करांगे, ऐसा थोड़ी हो सका है भाई किसी का माले काम ना करा वो करके ठीक है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। किसी सीरीज में क्यों नहीं गए आप, जैसे बहुत बड़ी बड़ी सीरीज चल रही है आजकल नाटकों की, तो आपको भी अच्छा रोल मिल जाता क्योंकि आपकी एक्टिंग एक उदास एक वो गुस्से वाला जैसे उसमें आप हमेशा वीडियो में देखते हो भाई भाई अभी मारोगे आप आंसू के अभी उठा के कुछ मारने वाले हो, तो दोनों का अच्छा खासा रोल भी मिल जाता है कोई कंपनी आपको, जैसे बहुत कंपनियां हैं अच्छे अच्छे सीरीज चल रही हैं उनकी, तो वहां कभी ट्राई क्यों नहीं किया? देख मैं बताऊं क्या भाई साहब, हमें कोई रील उसे हीरो तो है नहीं, एक नु मान ले के फॉर्मेलिटी तौर पर आज आप हीरो ही हो क्यों पहले नहीं थे, आज आपको सब जानते हैं और आज हीरो ही हो आप। ये मैं बताऊँ क्या, मेरे लिए मेरी गाड़ी सब कुछ है ठीक अच्छा, है हाँ तो से भी बढ़ गए हाँ क्योंकि जो मेरा परिवार चला रही है वो उससे भी बढ़ गया भाई, देखो मेरे बच्चों का खर्चा मेरा खर्चा इसका भी खर्चा। कितनी बार लड़ाई करते हो? लड़ाई तो हमारी सारे दिन वाले दिन में घंटे आध घंटे में होती रहती है। ये मनाई या आप मनाते हो? यह मनाओगी या फिर आपको क्या बोलती है? अनुज के पापा कोई बात नहीं
आपस का अपना घर का काम है। गलती से आपकी हो? हाँ, गलती से मेरी हो। ये देख लीजिए, ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलेगी किसी को। गलती से सुरेंद्र कुंडू की हो, मनाती यही है। हाँ जी, आप ही मना। हाँ जी, मैं मना करूँ क्योंकि इनको आज दो भाषण होंगे तो खुड़के भी मानते हो ना। कोई बात ना, आपस की है, छोटी मोटी होती रहे अगर, फिर वही बात है। देखो मैंने दोबारा भी तो फिर लड़ना, किस तरह लड़ूंगी जो ना वो नगाते मानते हैं ना। तो कह देने अरे फलाने का अटैक हो गया, दिल की न्यू हो गया, वो हो गया, दिल में ढीमरा बन गया, फलाना बन गया। अरे मैं तो अपने दिल की बड़ा असल काटती रहूँ, मैं न कदे अपने दिल में ऐसा ना बढ़न दूँ जिस तरह मतलब यह हो है। ठीक है, मैंने सोचा अगर इन तभी कहा। कितनी देर रूस के बैठ जाते हो आप चुपचाप? एक मिनट भी ना बैठते हो, बाहर चला जाकर दो चार मिनट में उल्टा आ जाए, बीडी बैडी के सट्टे सट्टे मार के। हाँ, उल्टा आ गए, यो काम था, मैंने को यो काम था, ये दो चार मिनट ना बोले, फिर मैंने कोई सुना है कि नहीं सुनता, बोला है कि नहीं बोलता, माँ कर दे यो काम नू था, उड़ जाना है या मान ले बालका के वो करकाना है, स्कूल में जाना, कुछ भी बोल पड़ा कर आपस में, इसी कोई बात ना होती, हमारे बीच में तो बिल्कुल ना होती, और काम ने भी रानी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आप लोगों ने मेरे साथ। अच्छा जी, थैंक जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका भाई साहब, हम जो इस लायक समझे आपने, एक भाई यहाँ तक आगे तक पहुँचाया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तो चैनल को देखने वाले दर्शकों का और भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया हम दोनों का भाई, आपको बहुत ज़्यादा चैनल आपका तरक्की करे और देखने वाले बहुत ज़्यादा बढ़े। जी मैं ये कह रही थी, मान लो कई बार है ना, मान लो भाई किसी ने ईसा लागता हो, हम वीडियो बनाओ कुछ भी बनाओ, किसी ने ईसा लागता हो कि भाई ये ईसे हैं या मतलब बदसलूकी करे है या मतलब बोलना नहीं आता, तो वो सिर्फ है ना, मैं उन सारे दर्शकों से एक बात कहना चाहूँ, अक भाई वे सिर्फ वीडियो हैं और वीडियो ने सिर्फ वीडियो की नज़र से ही देखे। ठीक है, देखो मतलब मैं ये बात कहना चाहूँ, देखो भाई जो रह आकर नुका कर आप बीती बतावे, जग बीती क्या बतावे, और तो जो घर में परिवार में रह है ना, तो ऐसा कुछ होता हमारा माहौल होता, हमारा गलत लाइन होती, तो हो सके हम भी एक दूसरे तक दूर पाते, एक दूसरे के पास थोड़ी पाते। नहीं, मैं अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करूँ, और रिस्पेक्ट उन मतलब फ्रेंड की जो मेरे मतलब आल हैं, जो मतलब फ्रेंड हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनकी भी हाथ जोड़ कर तय दिल से बहुत रिस्पेक्ट करूँ हूँ, जो मैंने मतलब दिल तक पसंद करे हैं और इतनी इज्जत दे हैं, इतना मान सम्मान दे हैं। बिल्कुल, ये सुरेंद्र कुंडू आशु कुंडू मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए थे, एक जो मनोरंजन के लिए आपको थोड़ा सा भी किसी समय हंसा देते हैं, उससे बड़ा व्यक्ति धरती पर कोई नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है आप लोगों का हंसाना, थोड़ा सा मनोरंजन करना, नहीं तो रूला तो कोई भी देता है और सारे दिन हम रोते ही रहते हैं, लेकिन थोड़े से पल आप एक इनकी वीडियो देखते हैं उस समय आपके चेहरे पर स्माइल आती है। इससे बड़ी खुशी इन लोगों को जब होते, जब हंसते आओ इनकी वीडियो देख के आपका मनोरंजन होता है, तो सब कुछ इनको मिल जाता है उसी समय। तो इन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छी प्यारी सी फैमिली है और ये इज्जतदार भी लोग हैं और दोनों पति पत्नी बड़ी प्यार से रहते हैं, यह भी सच्चाई है। तो आशु कुंडू टिटोली गाँव में, अगर वास्तव में आप भी अगर कोई पेड प्रमोशन वगैरह है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी, तो ये तैयार है, नंबर इन्हें अपने दे भी दिए हैं, आप इनसे उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी आपके साथ जरूर काम करने की इच्छा है इनकी भी, और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये भी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।